हम हीलिंग की बात करते हैं, अगर हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कई बार कि ज़रा ध्यान रखिएगा, वापस भी आ सकता है। हमें डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने तो इसे हील कर दिया है, वापस क्यों आ जाएगा। लेकिन वो आ सकता है, इससे सिद्ध होता है कि उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं किया गया है। जैसे वृक्ष, अगर वृक्ष को आप ज़मीन लेवल पर काट दें और जड़ से ना निकालें, दिखने से तो ऐसे लगेगा जैसे कि वहाँ वृक्ष है नहीं, लेकिन कुछ दिन पश्चात वृक्ष फिर से आ जाएगा। जैसे वृक्ष को खाद पानी मिलेगा, वृक्ष आ जाएगा। वैसे ही बीमारी मन में रह जाती है, तन से निकल गई है लेकिन मन में रह गई है। जब उसे संकल्पों का खाद पानी मिलता है, वो बीमारी फिर से पनपने लगती है। वो संकल्प कौन से हैं, जैसे हम क्रिएट करते हैं बार बार, पता नहीं कहीं ये बीमारी मुझे वापस ना हो जाए। उसको भी हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट चला था, फिर उसको वापस हो गई थी, डॉक्टर ने उसको भी कहा था कि ज़रा ध्यान रखना, उसको हो गई थी, कहीं मुझे ना हो जाए। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं कि उस मन को हम ये खाद पानी दे रहे हैं निरंतर, संकल्पों का। बार बार खाद पानी देने से क्या होता है, वो फिर से बीमारी पनपने लगती है। इस बात पर गौर करें, देखिए हमारी इस बॉडी के अंदर एक प्रकाश की बॉडी होती है, लाइट का शरीर, एनर्जी बॉडी जिसको कहते हैं, सटल बॉडी। उसके अंदर आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट बैठी होती है, राइट। और आत्मा में मन होता है, आत्मा ही विचार चलाती है मन के द्वारा। अब निरंतर वो जो विचार चलाती है, वो एनर्जी पूरी लाइट की बॉडी में फैलती जाती है, या कहें आपकी एनर्जी बॉडी वैसी ही बनती जाती है। अगर हम बहुत पावरफुल प्योर थॉट चलाते हैं, डिवाइन थॉट चलाते हैं, तो हमारी लाइट की बॉडी डिवाइन होती जाती है, वाइट होती जाती है। लेकिन जब हम बहुत नेगेटिव वेस्ट थॉट हमारे चलते हैं, तो हमारी एनर्जी बॉडी डार्क होती जाती है। और उसी को दूसरे शब्दों में ऑरा भी कहा जाता है, कि इसका ऑरा बहुत ही दूषित लगता है, मतलब जैसे हम इसके पास खड़े होते हैं तो मूड ऑफ होता है। और इनका ऑरा कितना अच्छा है, इनके पास खड़े होते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है। देखिए ये संकल्पों से तय होता है। तो यहाँ पर हमें क्या गौर करना है कि हमें हमेशा डिवाइन पावरफुल थॉट ही क्रिएट करने हैं। जितना ज़्यादा आप पावरफुल प्योर थॉट क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे आपका ऑरा बहुत पावरफुल होता जाएगा, आपका शरीर निरोग बनता जाएगा और आप बहुत सुखी रहने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, मानो कि हमें कोई बीमारी है, तो हम क्या करें, उसे जड़ से ख़त्म करें। और जड़ से ख़त्म कैसे करेंगे, मन को थॉट देकर। मानो मैं अपने मन को ये थॉट दूँ बार बार कि हाय बीमारी, मुझे बहुत बीमारी है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे को ही होनी थी क्या, तो उससे क्या होता है, वो संकल्प मेरी पूरी एनर्जी बॉडी में फैलते जाते हैं। और स्पेशली मानिए कि आपका बॉडी का कोई पार्ट पहले से ही कमज़ोर है, मानो आपको यहाँ हाथ में दर्द रहता है, जब कभी भी परेशान होंगे, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, तो देखेंगे आपके यहाँ पर ही दर्द होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ से वो थॉट की नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइट की बॉडी में वहाँ पर एक दाग बनाती जाती है, और फिर ये पांच तत्वों की जो बॉडी है, इस पर उसका असर आ जाता है। तो अगर इसे मानो मुझे हील करना है, तो मुझे क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए, ज़रा सोचिए। अगर मुझे इसे हील करना है, तो इसके ऑपोजिट मुझे बहुत पावरफुल प्योर डिवाइन थॉट क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि हम एक थॉट ले सकते हैं, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। देखिए एक थॉट था, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, उसके एकदम ऑपोजिट क्या थॉट, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। अब इसका अर्थ क्या है, जो राजयोगी हैं वो जानते हैं इसका अर्थ क्या है, लेकिन अगर हम राजयोग नहीं करते हैं या हमने अभी सीखा नहीं है, तो आप इसे एक मंत्र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मानो आपको कोई मंत्र मिल गया हो, लेकिन फिर भी इसका अर्थ समझ लीजिए। मास्टर रूहानी सर्जन का अर्थ होता है कि वो रूहानी सर्जन, परमात्मा जो हैं,
रूहानी सर्जन परमात्मा को कहते हैं, उनकी शक्तियों की उसके पास मास्टरी है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और बच्चे के पास पिता की सभी शक्तियां होती हैं। हम आत्माएं परमात्मा पिता की संतान हैं और हम कहते हैं कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। वो रूहानी सर्जन है, मैं आत्मा मास्टर रूहानी सर्जन हूँ।